हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो आप देख रहे हैं अमीन राजस्व कर्मी का राज्य स्तरीय ज्वाइंट कैडर बनेगा। तो इसमें क्या खास बात है, तो इसको ऊपर देखते हैं। इसमें जो राजस्व मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने राम सूरत कुमार ने कहा कि बहुत जल्दी ही बिहार में अमीन और कर्मचारी का ज्वाइंट स्टेट कैडर बनाया जा रहा है। जिम्मेवारी भी तय करने पर विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। अभी तक देखा यह गया है कि अमीन किसी एक पक्ष से प्रभावित होकर सही मापी नहीं करता है। कर्मचारी है जो कि जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर साफ बच जाता है। ऐसे में अमीन और कर्मचारी को आने वाले समय में अपने किए के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। मंत्री शनिवार को दिल्ली के चनकपुरी स्थित विभाग बिहार निवास में विभाग द्वारा आयोजित जमीनी बातें सीरीज 2 का शुभारंभ करने के समय गए। एक इम्पोर्टेंट, ये तो कैडर के बात है ही, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि दिसंबर तक 4453 राजस्व कर्मचारी की बहाली की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको मतलब काउंसलिंग जो है आपको अगर दिसंबर में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तक जो कि तिथि है जो कि नहीं, तो क्या सचमुच है जो कि दिसंबर में है जो कि ज्वाइनिंग सब हो जाएगी, बहाली हो जानी है, तो क्या हो जाएगी दिसंबर तक? तो ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अभी तक जो कि BSSC द्वारा अभी तक तिथि जारी नहीं किया गया स्टेनो की ना टाइपिंग टेस्ट की, और जब तिथि जारी होगी तभी जो कि उम्मीद हो सकती है। और इनके अनुसार जो कि क्या दिसंबर तक होगी, तो थोड़ी मतलब संभावना कम नज़र आ रही है ज्वाइनिंग की, खासकर क्योंकि कितनी प्रक्रिया तीव्र होगी, तो आपको क्योंकि काउंसलिंग भी काफ़ी संख्या में करानी होगी और ये उम्मीद है कि आपको इलेक्शन क्योंकि बड़ी संख्या में है, तो दिसंबर तक तो नहीं है लेकिन अगले साल उम्मीद है कि आपकी बहाली हो सकती है। एक हफ्ते पहले ये है जो कि BSSC से 1764 नियमित अमीन की अनुशंसा प्राप्त हुई है। तो अभी अनुशंसा प्राप्त नहीं है, 1767 है, वो भी BCCV द्वारा है, और विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर कर लिया जाएगा इनके द्वारा है जो कि कहा जा रहा है। तो ये यहाँ पर है जो कि मतलब आप ये जो अमीन की कर्मचारियों की है ये 1767 अभी अनुशंसा नहीं हुई है, इसकी जो प्रक्रिया है ये कम है। अब आते हैं अमीन की जो बहाली है उसके प्रोस्पेक्टस देखते हैं कि क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें पदों की संख्या जो कि 1767 है और 433 पद है जो कि सामान्य के हैं। तो जिनके रैंक, क्योंकि रैंक भी दिखाया जा रहा, तो जिनके रैंक सामान्य में मान लिया जाए कि 433 के अंदर, वो तो ऐसे भी कंफर्म मान सकते हैं पिछड़ा वर्ग के 143 है, तो उस तरह ऐड करके आप अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि मेरा कम से कम कंफर्म है और कितना रैंक है। तो ये एक तरह से कैसे समझदार के लिए जो कि आपको लगभग, हाँ जिनके बॉर्डर पर उनको थोड़ा शंका रहेगा, लेकिन जिनके आसपास जो है वो समझ सकते हैं, जिनके अच्छी रैंक है वो तो क्लियर है कि आपको होगी। और अब क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि अमीन की जो है आपको रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है, कट ऑफ मेन भी लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, तो क्या जो कट ऑफ देख रहे हैं उससे कोई ऐसा कोई वो कट ऑफ से कोई लेना देना, वो न्यूनतम कट ऑफ आपके मेरिट में अनुसार अगर नंबर हैं और जितनी सीटें हैं उसके अनुसार है तो होगी। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये चयन प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इसमें 75 अंकों की प्रथम खंड में 50 अंक के समान ज्ञान, समान समसायिक घटना, समान विज्ञान तथा समान हिंदी, ये आप देख रहे थे और ये आपके रिजल्ट है जो कि आ चुके हैं। अब इंटरव्यू में समझने वाले क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, या सिर्फ है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन ही होगा, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर ये जो मेधा सूची में, क्योंकि तो आपकी आ गई है, तो मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेधा कर्मानुसार, मतलब अब जो कि मेधा कर्मानुसार बुलाया जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट शुरू किया जाएगा और उसी अनुसार, और ये काउंसिलिंग ऑब्लिक इंटरव्यू के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा, और उनके मूल पत्रों की जहाँ इस काउंसिलिंग में इंटरव्यू एवं प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरांत निर्णयानुसार जिस उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु योग्य समझा जाएगा उन्हें ही नियुक्ति के चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा।
काउंसिलिंग इंटरव्यू के संबंध में।